हे अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल परियोजना प्रारंभ की गई और देश के कुछ चुनिंदा शहरों को पहले चरण में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के एक बड़े अभियान को हाथ में लिया गया और मुझे प्रसन्नता है लखनऊ में प्रशासन ने स्वयंसेवी समूह के साथ मिलकर के भिक्षावृत्ति में संलग्न परिवारों को और बच्चों को पुनर्वास करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज 102 बच्चे बाल सेवा योजना के साथ जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर लखनऊ प्रशासन को और उम्मीद संस्था को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भिक्षाटन प्राचीन काल में भारतीय परंपरा का हिस्सा था, लेकिन यह एक संन्यस्त व्यक्ति के लिए दिन में एक बार किसी एक परिवार में जाकर के भिक्षा लेने का प्रावधान था। इसके पीछे का हेतु अपने व्यक्तिगत अहंकार को त्याग करके समाज दर्शन को, समाज को जानने और समझने का एक अवसर प्रदान करना था। लेकिन जब यह वृत्ति के साथ जुड़ गई, जब यह व्यवसाय के साथ जुड़ जाता है, तो उसका एक खतरनाक रूप भी हम सबके सामने देखने को मिला। बहुत सारी जगह में वह बच्चों को, जिनके पास स्कूल जाने का एक अवसर होता है, जिनके सुनहरे भविष्य के लिए सरकार की अनेक स्कीम है, उन स्कीम के माध्यम से, उन योजनाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, उन बच्चों को उधर धकेल दिया जाता है। बहुत बार भी सुनने को मिलता है कि भिक्षावृत्ति में जो गिरोह संलिप्त हैं, वे बच्चों को दिव्यांग बना करके फिर उनसे जबरन भिक्षावृत्ति करवाते हैं, और इसमें से बहुत सारे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई भी समय समय पर होती रही है। और इसीलिए भिक्षा को वृत्ति के रूप में लेने वाले ऐसे गिरोहों को पर्दाफाश हो सके और ऐसे परिवारों को पुनर्वास भी किया जा सके, इस दृष्टि से स्माइल परियोजना देश के अंदर प्रारंभ हुई। मुझे प्रसन्नता है एक और 102 बच्चों को यहां पर पुनर्वास किया गया। उनके मन में एक उत्साह है, उनके मन में एक तमन्ना है, उनके मन में जीवन में कुछ कर गुजरने की एक जज्बा भी है, और उस जज्बे को प्लेटफॉर्म देने का कार्य यह प्रशासन का होना चाहिए, और प्रशासन ने अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को उनके साथ जोड़ दिया। आज परिणाम हम सबके सामने हैं कि लखनऊ में 102 ऐसे बच्चे आज स्माइल परियोजना के साथ जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक नई लगन और एक नई परिश्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। याद रखना, किसी कार्य के लिए योजनाओं की कमी नहीं है। ये जितने बच्चे यहां पर आए हैं, इन बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, स्वेटर, सूट, सॉक्स, ये सब बेसिक शिक्षा परिषद उपलब्ध करा रहा है। ये योजना हमारी 2017 से उत्तर प्रदेश में लागू है। 2017 से हम लोग प्रदेश भर के, उत्तर प्रदेश के आज के दिन पर 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। अनुमान करिए 1,91,00,000 बच्चे इस योजना के साथ जुड़े हैं, और जितने भी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों में बच्चे एडमिशन लेंगे, उनको इस सभी प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोरोना कालखंड में जब देश के अंदर
कोरोना से सेकेंड वेव के दौरान जन हानि देखने को मिली, उस दौरान व्यापक पैमाने पे चीजें मीडिया के माध्यम से देखने को मिली कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका जो लीगल गार्जियन था उनकी मृत्यु होने के नाते, कोरोना की चपेट में आने के नाते वे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इसका सर्वे कराया था और सर्वे कराने के बाद ये पाया कि कोरोना के कारण जो मौतें हुई उनकी संख्या उत्तर प्रदेश भर में अगर हमने देखा तो 4000 ऐसी संख्या थी। उनको हमने मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के अंतर्गत जोड़ा, लेकिन अन्य बीमारियों से भी उससे पहले या बाद में भी, कोरोना से नहीं लेकिन अन्य बीमारियों से जो मौतें हुई थी वे बच्चे बच जा रहे थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के रूप में, जिसमें 2500 रुपए उन बच्चों को हम लोग 18 वर्ष तक उनके भरण पोषण के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध कराते हैं और समय समय पर महंगाई बढ़ने के साथ वह राशि भी बढ़ती जाएगी, इस विश्वास के साथ यह प्रदेश सरकार ने प्रारंभ कराई। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज प्रदेश भर में चल रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य की तर्ज पर आज इन भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को उसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश सरकार की अनेक अन्य योजनाएं हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं और खासतौर पर इस क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इन बच्चों का एडमिशन कराया गया है। लगता है वहां पे इन बच्चों को अच्छे ढंग से देखभाल की जा रही है, इसलिए उन बच्चों के मन में पढ़ने का एक जज्बा भी है। आंगनवाड़ी भी वहां स्थापित हो, आंगनवाड़ी के माध्यम से भी हम 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आगे बढ़ने और उनको कुपोषित जो बच्चे हैं उनको शासन की योजना से जोड़ करके उन्हें उपयुक्त मात्रा में कुपोषित माताओं को बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवा करके उनके जीवन को अभी से हम सही मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय भी बनाए हैं, 18 अटल आवासीय विद्यालय इस सत्र में प्रारंभ होंगे। ये अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों और उन बच्चों के लिए हैं जो अपने लीगल अभिभावक को खो चुके हैं। पहली से लेकर 12वीं तक उन बच्चों की निशुल्क पढ़ाई, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर हम उन विद्यालयों को चला रहे हैं, आवासीय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को संचालन इसी सत्र में हम लोग करने जा रहे हैं और वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं, रहने की, खाने की, पढ़ाई की सारी सुविधा प्रदेश सरकार वहन करेगी और उन बच्चों को उत्तम यानी क्वालिटी एजुकेशन की जो बात करते हैं वह उन विद्यालयों में प्रदान करने का कार्य होगा। इस सत्र में 18 विद्यालय हम चला रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि अगले 1-2 वर्षों में हम प्रदेश के हर जनपद में एक विद्यालय और फिर उसके बाद प्रत्येक विकास खंड में एक एक विद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। समस्या सरकार की योजनाओं में नहीं है। महिला स्वयंसेवी समूह, देखिए कहावत है, जहां चाह वहां राह। यहां पर जो महिलाएं बैठी हैं, मैं देख रहा था उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि शासन की योजनाएं यानी उनको या तो जानकारी नहीं है या हम जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं झांसी की। झांसी में ऐसी कुछ महिलाएं आई थी जिन्होंने एक बार मेरे सामने इस बात को कहा था कि हमारे पास हमें कुछ कार्य चाहिए, कार्य करने के लिए कुछ नहीं है और जिससे हम लोगों को हमारे सामने संकट आता है। वहां पे उस समय एक दुग्ध यानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया। जितनी महिलाएं सब पढ़ी लिखी नहीं है, सारी गांव की सामान्य महिलाएं हैं,
छह महिलाओं से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आज मैं गत वर्ष का उनका टर्नओवर देख रहा था, 150 करोड़ रुपए का दूध का उन्होंने प्रोक्योर किया है, यानी क्रय किया है, और 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। ये बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर झांसी बुंदेलखंड में काम कर रहा है। ऐसे ही बीसी सखी एक अन्य उदाहरण है। गांव के अंदर बैंकिंग सेवा आज हर ग्राम पंचायत में हम उपलब्ध करा रहे हैं। वे कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, गांव की सामान्य महिलाएं हैं, लेकिन कार्य करने की इच्छा शक्ति। आपने देखा होगा अभी लखनऊ में बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी का एक सम्मेलन देश भर की हुई थी। काम चूंकि यूपी में हुआ है तो यूपी के ही सब आए थे वहां पे, देश भर के अन्य राज्यों से भी लोग आए थे देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सुल्तानपुर की एक बीसी सखी ने अपना जो टर्नओवर इतना बढ़ाया है कि हर महीने वह स्वयं भी 1,25,000 1,30,000 रुपए कमीशन के रूप में प्राप्त करती है। महिला स्वयंसेवी समूह जहां अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर 8,000-10,000 रुपए वे हर माह कमा सकती है। हमें इसके लिए कार्य करने की ओर बढ़ना पड़ेगा। भिक्षावृत्ति समस्या का समाधान नहीं हो सकता, समस्या का समाधान परिश्रम है, मेहनत है, एक सही दिशा चयन करने का है। वे जो लोग अपना घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ अपने आजीविका को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, बहुत ऐसे उदाहरण आपको समाज में मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए, और हम में भी इस बात की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि अगर अगला व्यक्ति आगे बढ़ सकता है मेहनत से तो मैं भी चयन करूं किस क्षेत्र में मेहनत करके मैं आगे बढ़ सकता हूं। यह प्रवृत्ति अगर हमारे मन में हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जब हम जन्म देंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब हम किसी की आगे बढ़ने की वृत्ति को ईर्ष्या के भाव से देखेंगे, राग द्वेष के भाव से देखेंगे, तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखना, ईर्ष्या राग और द्वेष व्यक्ति को अंतःकरण से खोखला बना देता है, उसको पूरी तरह तरीके से एक प्रकार से नेगेटिव दिशा में लेके जाता है, उसका पूरा अप्रोच ही नेगेटिव हो जाता है, फिर वो कभी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। हमें जीवन में सफल होना है, सकारात्मक भाव के साथ हम सोचना प्रारंभ करें, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और मुझे लगता है कि आज यहां पे जिला प्रशासन ने और नगर निगम ने, बेसिक शिक्षा परिषद ने, महिला और बाल विकास विभाग ने, उम्मीद संस्था, ये सभी जिला प्रशासन और यहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर के एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि सही लोगों का चयन, याद रखना, कोई कार्यक्रम तभी सफल होता है जब हम उसके चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखें, पिक एंड चूज न हो, भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार से अनावश्यक जो सिफारिशें होती हैं, अरे इसको कर देंगे तो इससे क्या होने वाला है, तो मुझे लगता है उससे बच करके मेरिट के आधार पर अगर हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे, हम लखनऊ को पूरी तरीके से इससे मुक्त कर लेंगे। दूसरा, जो लोग एडल्ट हैं या दिव्यांग हैं, जहां तहां खड़े बैठ करके भिक्षावृत्ति करते हैं, उनको भी हमें पुनर्वास के साथ जोड़ना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ महिलाएं निराश्रित होंगी, हो सकता है कुछ दिव्यांग होंगे, सरकार की उसके लिए स्कीम है, और उस स्कीम के साथ महिला और बाल विकास विभाग को, दिव्यांगजन कल्याण विभाग को, अन्य विभागों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमारी कोई सिटी कहीं पे भी, और खासतौर पर राजधानी लखनऊ से आप शुरुआत करिए। जो लोग सड़कों की पटरी पे सोते हैं, दिन भर कार्य करते हैं, रात्रि के लिए उनके कोई शेल्टर होम नहीं होता, वे जहां पटरी दिखते वहीं पे
सो जाते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन लोगों को हम रेन बसेरे में लेके जाएं, रेन बसेरे में उनको सुरक्षित माहौल दें, उनको वहां पे व्यवस्था दें, क्योंकि एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा इंसान बन गया तो वह डॉक्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी भी बन जाएगा और पुलिस अधिकारी भी बन जाएगा। इसलिए अच्छे इंसान के रूप में उसे बनाना, उसका निर्माण करना, यह उम्मीद जैसी संस्थाओं का इसमें एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और उस दिशा में सभी प्रयास करेंगे, इसके परिणाम अच्छी दिशा में आगे आएंगे। मैं एक बार फिर से यहां पर प्रशासन से भी कहूंगा, उम्मीद संस्था से भी कहूंगा, शासन की योजनाओं की जानकारी होना और उन जानकारी से इन बच्चों को और उनके अभिभावकों को अवगत कराना। जैसे स्वास्थ्य के लिए ही है, उत्तर प्रदेश में तो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा है, और अन्य गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा भी है। लगभग 10 करोड़ लोगों को हम आयुष्मान भारत में, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं। वे किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के, वह गवर्नमेंट का होगा या प्राइवेट होगा, वहां जाकर के अपना उपचार करा सकता है। यह सुविधा दी गई है। हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा पिछले 3.25 वर्ष से लगातार सरकार दे रही है। गरीब परिवारों को, अगर वे वहां के निवासी हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। जब सरकार स्वयं आपके साथ खड़ी है, ये सभी प्रकार की योजनाएं हैं, अन्य अनेक योजनाएं, रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए, बच्चों के लिए या किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के साथ योजनाओं की जानकारी लेना, उन जानकारी के साथ फिर अपने आप को जोड़ना और उनसे समाज के गरीब, वंचित और सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को लाभान्वित कर लेना, यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में एक अच्छा प्रयास आज यहां पर इन बच्चों को, जो भिक्षावृत्ति में संलग्न थे, आज वे विद्यालय जाने लग गए और धीरे धीरे करके इसमें और भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका बेहतर परिणति शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना, एक सकारात्मक रुख अपनाना और कैंप लगा करके 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना। किसी भी विभाग की योजना हो, वह उन योजनाओं में अगर वो पात्रता की श्रेणी में आता है तो हम उसको उन्हें उसके साथ जोड़ें, उसका लाभ दें। उसके लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम ये कर पाएंगे तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से 102 बच्चों को आज यहां पर स्माइल परियोजना के माध्यम से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इससे पहले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इनका एडमिशन करवा करके इन बच्चों को वे सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। आंगनबाड़ी भी बना करके हम 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को उसके साथ जोड़ें और बाल विकास और पोषाहार की योजनाओं के साथ जोड़ेंगे तो जो बच्चे यहां पर भी कुछ कुपोषित दिखाई दे रहे हैं, इनको इसका लाभ भी वहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। एक बार फिर से मैं प्रशासन की पहल को और उम्मीद जैसी संस्था के द्वारा किए गए योगदान को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन बच्चों का एक समूह चित्र हो जाए।